हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा पैरो। क्या कर रहे हैं? हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हाथ नहीं मार रहे, पता नहीं क्या बात है। सब्सक्राइब करते जाओ। तो आज भाई वीडियो लेकर आ गया, बड़ी फनी किस्म की कॉमेडी वीडियो लेकर आ गया है। जैसे हमारे यहाँ पे एक पप्पू मौजूद है ना, बिलावल भुट्टो, इसी तरह इंडिया में भी एक पप्पू है राहुल गांधी, जिनको बोला जाता है। तो आज उनकी फनी वीडियोस हम देखने वाले हैं, जिनको पता ही नहीं चलता क्या बोलना है। बड़ा मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो कमेंट तक देखा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। पागल तो नहीं हो गया भाई? ये राहुल गांधी फायदा हो गया, इतना बड़ा सामना। आपने अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी। हाँ, कुत्ते को किसी ने मारा? किसी ने नहीं मारा। क्या बात करते हो यार, इसमें गाय भी आई। नो 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 भैंस भी आए। कहाँ भैंस है? लोगों को भैंस बना दिया पागल ने, पागल ही है। सुअर भी आए, पागल है, पता ही नहीं चलता की गल करनी। मैंने देखा यही। अभी और सुनिए, वो तो सब जानवर आए, सब जानवर आए, कोई इंसान है ही नहीं, जानवर ही ने सारे। सब लोग आए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में, आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा, साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं, 10 पैसे की भी नहीं है यार, बात करनी नहीं आती। गायखान गंगमय जी सचिन तेंदुलकर बोलने नहीं आता, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। हाँ? दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक नानकड़ो तो 6-7 वर्ष नो, मारा दादी इंदिरा माँ एमने मने एक चौपड़ी आपी, एम मुझे सबसे अच्छी लगती थी अने मने सौ थी वधारे गमती थी ये चौपड़ी, ये वार्ता। उसमें उसमें फोटो फोटो की किसान फोटो की किताब थी, फोटो की किताब फोटो की किताब थी। अम्मी चलेगा? हेलो, नहीं करना चाहते, गजब बेइज्जती है। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूँ, दिल की बात कहना चाहता हूँ। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। क्या यार ये आदमी है। यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा आने वाले समय में। वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस लाएंगे। चांद से लाऊंगा पागल। हम फर्स्ट चला।
कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। लेकिन एक सेकंड, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। जिस व्यक्ति को सुनो मैं राहुल गांधी हूं। वो राहुल गांधी कौन है फिर? तू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार नहीं खाता, थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। यार ये बंदा बड़ा फनी है। हमारे यहाँ पे ना वो जो है ना क्या नाम लेते हैं बिलोरानी जिसको बोलते हैं, बिलोरानी बिलावल भुट्टो को बिलोरानी यहाँ पे बोला जाता है। तो वो बहुत ज्यादा मजाइया किस्म की ना स्पीच करते हैं, उनको भी पता नहीं है बारिश आता है तो पानी आता है, पानी आता है तो बोलता ना अमी। और ये अमी क्या बोलते हैं, मैं चांद पे फसल आलू मैं वहां से निकालूंगा, यहाँ पे सोना आता गुजरात में ले आऊंगा। कहता है कि मैं वहां से आलू उगाऊंगा, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से वो सोना बन के निकल आएगा। मैं इस तरह से ऐसा हो सकता है क्या? क्या यार ये बंदा इतना फनी है, इसको पता ही नहीं चलता कि स्पीच करनी कैसे है। इस वजह से तो इसको लोग जो है वो एक कॉमेडियन समझते हैं। सच में ये किस लाइन में आ गए हो यार, इनको तो एक कॉमेडियन होना चाहिए था ना। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? चाहे अक्ल ही नहीं है तो क्या करे, हम मेरे जैसा ही है। कह रही है मेरे जैसे अम्मी आपकी तो एज हो चुकी है ना, उस बेचारे की तो एज जब नहीं भी थी वो तब भी ऐसा ही था, अब हो गई है तब भी वो ऐसे के ऐसा ही है। इसको अक्ल सारी जिंदगी नहीं आई, इसको कौन बंदा जैसे वो बिलावल भुट्टो है ना, उसको मतलब उसको देख के मुझे ना हंसी आती है कि वो ना एक अजीब किस्म का बंदा लगता है। वो तो बहुत प्यारा है, खे प्यारा, वो भी एक जनाना टाइप मुझे तो लगता है वो, मतलब उसमें लड़कियों जैसी आदतें हैं, बोलता भी लड़कियों की टाइप है। ऐसे ऐसे ही नहीं लोगों ने उसका नाम बिलोरा नहीं डाला हुआ, उसमें कोई ना कोई तो पागल है। हाँ वो एक सही है, बाकी सब पागल है। हाँ। सही है, बिल्कुल सही है। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझे तो वो आदमी बिल्कुल घटिया लगता है। सियासतदान होते ही भाई इस तरह से है। अभी वो न्यू आया ना, अभी इन्होंने उसका मजा नहीं चखा, उसको एक दफा बना के देख ले आपकी सारी आवाज निकल जाएगी एक दफा। फिर मेरे पहले निकली हुई है, कोई बात नहीं, आए तो सही। खे आना, उसने कुछ नहीं आना, उसको पता ही नहीं अम्मी कि वो बाहर की कंट्री में जाता है। जब उसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था ना, बाहर की कंट्री में जाके फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम होता है, आपको क्या लगता है? उसका काम ये होता है कि वहां पे जाके अपने कंट्री के मिसाइल को वहां पे रखे, उनके जो नजरसानी करवाए, वहां पे डील वगैरह करे और अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाने की बात करे। लेकिन वो वहां पे जाके कश्मीर की बातें करता है, कश्मीर ये कश्मीर वो, अजीब किस्म का बंदा। और अरबों रुपए लगा के न्यूयॉर्क पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रिप करके आ गया तो मजे लूट लिए। करप्ट इंसान है, आपको पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी भी भाई कुछ इसी तरह से है, बड़ा फसा मजाया किस्म का बंदा है। इनकी और मोदी जी की जो है ना वो एक वीडियो थी, मैंने बंदी नहीं, हाँ बंदी नहीं, और बड़ा मजाया मोदी जी इनको हमें जवाब देते हैं बड़े मजाया किस्म के। काश उनकी भी वीडियो होती ना तो मजा आ जाना था, अगर मिली तो जरूर लाऊंगी। लेकिन बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं आपका दिन थोड़ा सा खुशगवार हो गया होगा हमारी वजह से। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।